अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज की बैठक की बात की जाए, 7 और 9 तारीख की गई थी, 9 तारीख को भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसान संगठनों ने 9 तारीख को बात करने से इनकार कर दिया और सीधे बाहर आ गए तमाम किसान संगठन। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, यस और नो की बात करके ये बाहर आए थे। तमाम किसान संगठनों की बात की जाए तो ये तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, संगठनों के नेता हैं, ये सभी अभी बाहर आए हैं बैठक से। आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं हम। तमाम किसान संगठनों की बात की जाए तो यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम किसान संगठनों के जो नेता हैं वो बैठक से बाहर आ गए हैं। अगली तस्वीरें आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से विज्ञान भवन के अंदर जो बैठक चल रही थी उस पर आज भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तमाम नेता बाहर आते हुए बैठक से, हालांकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया एक और बैठक का, लेकिन अभी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। किसानों के द्वारा कोई जवाब इस बैठक को लेकर के नहीं दिया गया है कि दोबारा बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं। आप इनके हाथ में ये पोस्टर देख सकते हैं, तमाम जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं ये लोग बाहर आ रहे हैं, किसान संगठनों के नेता हैं ये सभी बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं तमाम किसान संगठनों के जो नेता हैं वो अब बैठक से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आज की बैठक को लेकर के कहीं ना कहीं काफी गहमा गहमी भी रही, किसान संगठनों ने चुप्पी भी साध ली थी। यहाँ पर आपको सीधा सुनाएंगे क्या? आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम किसान संगठन जो है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनसे बात करेंगे। आज बैठक में अगली बैठक का समय दिया गया, क्या आप कहेंगे? सरकार अमेंडमेंट करना चाहती थी, प्रपोजल लेके आई थी, असी उसको रद्द कर दिया कि अमेंडमेंट नहीं करेंगे, कानून रद्द करो। फिर उन्होंने समा मंगा कि 4 दिन का समा होर विचार लई दिओ। हुण 9 तरीक नूं दुबारा मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि मैं आपके दूसरे जिहड़े हैगे अमित शाह वर्गे प्रधानमंत्री वर्गे उन्होंने राय करने का मौका दिओ मैनू, इस करके 9 तरीक नूं होगी मीटिंग। 9 तारीख को बैठक के लिए तैयार है? हाँ, बैठक के लिए असीं तैयार हैं, इस करके क्योंकि समा मंगा 4 दिन का होर, तो उन्होंने साड़ी गल नूं हाँ च हाँ भरी है कि ठीक है, असीं विचार लैण दिओ सानूं, तो एजिटेशन जे हुंदी तां चलदी रहेगी। 9 तारीख से पहले विरोध प्रदर्शन 8 तारीख को बंद का ऐलान है, तो क्या उसे स्थगित करने के लिए भी सरकार के द्वारा कहा गया था? नहीं, उदे भी यही गल कहते डिस्कस करनी है, डिस्कस करने तो असीं जवाब दिता, अज भी दिता जवाब, उदे भी जवाब दिता, अज बिल्कुल लेके आए सी प्रपोजल, उहनूं असीं नकार दिता। 8 तारीख को विरोध प्रदर्शन बंद रहेगा? हाँ, 8 तारीख को चलता रहेगा, बाहर तो बंद चलेगा। आज बैठक में क्या यस नो के कार्ड जो आए थे, यस नो के जो कार्ड थे उसका क्या मतलब था? सिविल सेट में नो चर्चा, ओदा मतलब यही से ना, वो प्रपोजल लेके आए सी अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट को नकार दिया असीं, उस तो बाद असीं मौन धार लिया, बोले नहीं है 15 मिनट, फिर मंत्री जी बाहर चले गए उठ के, फिर दोबारा आके उन्होंने 4 दिन का समा होर मंगया कि सानू समा दो, इदे ते असीं सहमति दे दी। अब भारत बंद रहेगा, भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसका क्या? भारत बंद होगा, चिड़ी नहीं फर्क देंगे, सारे भारत दे विच पूरा बंद होगा, विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा 9 तारीख। हाँ, चलता रहेगा 9 तारीख को, 9 तारीख को बैठक होगी। अब अगर बात करें तो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था, 4 दिन का समय मांगा गया विचार करने के लिए, आज कोई निष्कर्ष बैठक में नहीं निकला। लगातार हालांकि गर्म जोशी इस बैठक में रही, गर्म जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तमाम किसान संगठनों ने एक बार तो चुप्पी भी साध ली थी। यस और नो के पर्चे दिखाए गए थे इस वार्ता के अंदर, अगर बात की जाए तो यस और नो के पर्चे दिखाए गए थे और आखिरकार नाराज होकर के, आपको दिखाना भी चाहेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि तमाम किसान संगठन अब बाहर आ चुके हैं यहाँ इस वार्ता से और वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अगली तारीख की बात कह करके बाहर आए हैं। अब 9 तारीख जो है, सरकार ने 4 दिन मांगे थे तो 9 तारीख को दोबारा सैनिक जी बात को चलिए, बेहद शुक्रिया दीपक, अपनी जो पूरी जानकारी यहाँ पर दी, साथ ही साथ जो किसान है उनसे भी यहाँ पर खास बातचीत की गई। किसानों का कहना है कि वो बातचीत के लिए जरूर तैयार है, लेकिन अमेंडमेंट पर उन्होंने हाँ नहीं कहा है, जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया था उस पर उन्होंने ना कर दिया है।